हेलो दोस्तों, जगदेविद नॉलेज में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बनाया है बिजनेस के लिए जो पहली बार कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई वैकेंसी निकली है उसका फॉर्म फिल कर रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, उनमें से कुछ क्वेरीज का जवाब ये वीडियो उनको देगा। तो शुरुआत करते हैं टिप्स फॉर बिजनेस चैप्टर 2 की। दोस्तों, अगर वैकेंसी निकली है तो एडवर्टाइजमेंट ज़रूर निकला होगा, और मैं यही कहूँगा कि आप एडवर्टाइजमेंट को जिस रिक्रूटर का है वो एडवर्टाइजमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर LIC की वैकेंसी है तो आप LIC की साइट पर जाइए, वहाँ से उस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करिए और हो सके तो एक प्रिंट ले लीजिए, और उस प्रिंट को जो भी मेन पॉइंट्स हैं जैसे कि कब से कब तक अप्लाई करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, किस डेट पर है, एज क्राइटेरिया क्या है, किस डेट पर एज का क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब आप नोट करके रखिए, उसको हाईलाइट कर दीजिए। नोट करने का मतलब आप एडवर्टाइजमेंट पर ही हाईलाइट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे और आप सही से अप्लाई कर सकेंगे। और कई बार क्या होता है कि अप्लाई करने के बाद भी दिमाग में कन्फ्यूजन आते हैं, तो अगर एडवर्टाइजमेंट की एक कॉपी आपके पास रखी हुई है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत उसको रेफर करेंगे, और अगर कुछ मिस्टेक हो भी गई है तो रेक्टिफाई का कोई चांस है या नहीं है या कैसे करना है ये आपको पता लग जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन एज सून एज पॉसिबल। जब भी कोई वैकेंसी निकलती है दोस्तों, तो एक टाइम पीरियड रहता है कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपको अप्लाई करना है। मैं यही कहूँगा, अगर आपने एक बार एडवर्टाइजमेंट पूरा पढ़ लिया है, स्टडी कर लिया है, आप एलिजिबल हैं, आपको पता है क्या करना है, तो आप जितना जल्दी हो सके पहले 2 या 3 दिन के अंदर ही ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका एक काम पूरा हो जाएगा, आपके दिमाग में यह नहीं रहेगा कि आपको अभी एक काम करना है, अप्लाई करना है, और आप तैयारी शुरू कर देंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी कीमत पर लास्ट डेट के लिए कि मैं लास्ट डेट में अप्लाई करूंगा ऐसा तो बिल्कुल कभी भी ना करें। इस चीज़ को तो बिल्कुल भूल जाएं कि लास्ट डेट जैसी कोई चीज़ है। जितना जल्दी हो सके अप्लाई कीजिए। अप्लाई ऑनलाइन योर सेल्फ। यहाँ ये मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, हम साइबर कैफ़े में जाते हैं और किसी और को बोलते हैं कि आप मेरे लिए अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप जॉब के लिए कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको फॉर्म भरना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अगर आप खुद करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आप डाटा क्या फीड कर रहे हैं। जब दूसरा आदमी फीड करता है तो डाटा में कई बार उसको अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ दिमाग में आ जाता है या कोई भी और प्रॉब्लम आ जाता है। आप खुद को अच्छे से जज कर सकते हैं, इसलिए आप खुद ही अप्लाई करिए, आपको अपनी नॉलेज सबसे ज़्यादा है। डोंट फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप मैगजीन्स। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के जो प्रश्न होते हैं अक्सर क्या देखा गया है कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव टाइप मैगजीन्स खरीद लेते हैं या ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर सॉल्व करते हैं, जो कि सही नहीं है। मैं यही सलाह दूंगा कि आप डिस्क्रिप्टिव टाइप मैगजीन लीजिए और इंग्लिश की मैगजीन लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप डिस्क्रिप्टिव टाइप मैगजीन लेंगे तो आपको टॉपिक डेप्थ में समझ में आएगा, आप उसमें से हाईलाइट कीजिए चीज़ों को जो भी आपको लिए ज़रूरी है। इंग्लिश मैगजीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे क्या है, आपका इंग्लिश भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपको जब आपका इंटरव्यू होगा आपको वर्ड्स मिल जाएंगे कि कैसे आपको वो वर्ड्स डिटेल में पैनल को रिप्लाई करनी है, और GD में भी ये आपको काम आएगा। अगर आप ऑनलाइन नोट्स पढ़ते हैं, सपोज कीजिए कि आपको किसी वेबसाइट के या किसी पर्टिकुलर टीचर के ऑनलाइन नोट्स पसंद हैं, आप उसको रीड करते हैं, मैं कहूँगा कि अगर हो सके तो प्रिंट ले लीजिए। प्रिंट लेके पढ़ना कई बार बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है अपेक्षाकृत लैपटॉप पे पढ़ने के। इफ इंग्लिश मैगजीन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देन परचेज बोथ हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश वर्जन ऑफ मैगजीन्स। दोस्तों, यहाँ डिफिकल्ट का मतलब यह है कि कई बार हमारी इंग्लिश कमज़ोर होती है और उससे हमें जनरल अवेयरनेस भी समझ में नहीं आती है। मैं कहूँगा कि आपने इंग्लिश मैगजीन ली है, अगर उसी मैगजीन का हिंदी वर्जन अवेलेबल है तो एक बार हिंदी वर्जन को पढ़ लीजिए, जिससे आपको टॉपिक समझ में आएगा, और फिर उसका इंग्लिश वर्जन पढ़िए। उससे आपके दो काम होंगे, पहला आपकी इंग्लिश मजबूत होगी,
दूसरा वो टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और फिर से रिपीट करूँगा कि वो जो नॉलेज आप गेन करेंगे वो आपको इंटरव्यू और जीडी में भी काम आएगी। आपको केवल रिटन ही क्लियर नहीं करना है, आगे जाके आपको इंटरव्यू भी फेस करना है, और अगर जीडी की स्टेज भी उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए है तो वो भी आपको क्लियर करनी ही होगी। ओके दोस्तों, रीड टॉपिक इन डिटेल। जैसा मैंने पहले भी बताया कि डिस्क्रिप्टिव टाइप लीजिए, जो भी नोट्स लें आप डिस्क्रिप्टिव पढ़िए और उसको डिटेल में पढ़िए, डेप्थ में पढ़िए। ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप, हो गया टॉपिक खत्म, ऐसा नहीं करना है। टॉपिक की जो अंदरूनी जो भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर सोचिए कि क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सब आप डिटेल में पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल जैसे नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार का विनर कौन है, किसको मिला, वो जॉइंटली मिला। कई बार क्या होता है कि दो लोगों को मिलता है, तो दोनों को जॉइंटली मिला। उनके कंट्री, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वाई उनको क्यों मिला, किस फील्ड में मिला, कहाँ हुआ कॉन्डक्ट, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो कहाँ हुआ, या कोई भी क्वेश्चन। या सपोज कीजिए कि उस राइटर मीन्स यहाँ पर मैं बोलूँगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल उस नोवेल विनर ने कोई बुक भी लिख रखी है, या उसकी कोई संस्था है जो वो रन करता है, या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो उसने किया है, ऐसा कुछ भी डिटेल में, कुछ भी वर्ड यूज कर रहा हूँ, कुछ भी एनीथिंग आप डेप्थ में पढ़िए, वही आपके रिटन में काम आएगा और यही नॉलेज आपको आगे भी काम आएगी जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, वही बात है कि आपको डेप्थ में पढ़ना है। दोस्तों फिर से रिपीट करूंगा कि टॉपिक को समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। अगर रटेंगे तो आपको रिटेन तो क्वालिफाई हो जाएगा लेकिन इंटरव्यू में कम मार्क्स आएंगे और जीडी में आपको तकलीफ होगी, वहां भी आपको कम मार्क्स मिलेंगे। इसलिए टॉपिक को केवल रटे ना, उसको समझने की भी कोशिश करें। अप्लाई फॉर अदर सेक्टर्स, यहाँ पे अदर सेक्टर से मतलब है जो भी एग्जाम जिसका पैटर्न सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं और किसी और एग्जाम जैसे सेबी है, आईआरडीए में कोई वैकेंसी निकली है, या कहीं और वैकेंसी निकली है, स्टॉक एक्सचेंज में निकली है, मोस्टली इंश्योरेंस सेक्टर में निकलती है, अगर पैटर्न सेम है तो आप उसका भी फॉर्म फिल कर दीजिए, अगर आपका डेट क्लैश नहीं हो रहा है बैंक के एग्जाम के साथ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उससे क्या होगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको एक और टेस्ट देना है। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको एक एग्जाम का एनवायरनमेंट मिलेगा, जब आप एग्जाम में जाएंगे और एग्जाम देंगे आपको पता चलेगा कि आपका मैथ कमज़ोर है या इंग्लिश कमज़ोर है, या मैथ बहुत ही अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छी है लेकिन इंग्लिश कमज़ोर है, या तीनों चीज़ अच्छी हैं, जनरल अवेयरनेस अच्छी नहीं है। आपको जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी वीकनेस है, वो आपको पता चलेंगी, पता चलेंगी तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो चीज़ मजबूत है उसको और मजबूत कर सकते हैं, और जो वीकनेसेज हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर वो सेक्टर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अनएम्प्लॉयड हैं, कहीं भी नौकरी मिल रही है और आप उसे ग्रैब करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो अगर आप पास हुए तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर सपोज करो आप उस सेक्टर में जॉब करना ही नहीं चाहते हैं, उस केस में भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो आप अगर एग्जाम पैटर्न सेम है, आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, तो क्यों ना उस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई किया जाए। तो ऐसा करिए दोस्तों। इफ एग्जाम इज ऑन योर हेड, योर एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव्स। देखिए दोस्तों, अगर आपका एग्जाम 7 दिन बाद है तो उस वीक के अंदर आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि अगले महीने मेरा एग्जाम है, तो आप उस पर फोकस करते हैं और आपका ध्यान अन्य चीज़ों पर नहीं जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका एग्जाम होगा आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हो सके तो एग्जाम्स के लिए अप्लाई करिए और अपने आप को बिजी रखिए एग्जाम्स के साथ। एग्जाम है या फिर आपके स्पीड टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पीड टेस्ट भी एक अच्छा कार्य करते हैं, आप स्पीड टेस्ट भी दीजिए, वो भी एक प्रेशर रखते हैं, आपको एक एनवायरमेंट देते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम देते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन प्रीवियस एग्जाम जनरल अवेयरनेस सेट।
दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम जनरल अवेयरनेस के पुराने सेट्स को सोल्व करते हैं। एक तो क्या होता है कि उसमें नॉलेज अपडेटेड नहीं होती है, जो ऑप्शंस होते हैं वो अपडेटेड नहीं होते हैं, कई बार बदल चुका होता है इंसान। फॉर एग्जांपल किसी भी संस्था का कोई अध्यक्ष है, जब आप पढ़ रहे हैं वो पुराना सेट है और अभी वो बदल चुका है। दूसरी चीज़ क्या है कि मोस्टली आपसे जो जीए पूछी जाती है, जीए मीन्स जनरल अवेयरनेस, जो आपके जो करेंट अफेयर्स है उससे रिलेशनशिप होती है, 3-4 महीने की जनरल अवेयरनेस के ऊपर फोकस रहता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप 6 महीने की मैगजीन्स, 6 महीने के करंट अफेयर्स या ऑनलाइन डाटा, कहीं से भी जो भी जनरल अवेयरनेस है वो सब कलेक्ट कीजिए केवल 6 महीने का, और वो 6 महीने के जनरल अवेयरनेस पढ़िए, पुराने एग्जाम के जनरल अवेयरनेस सेट मत पढ़िए। लेकिन यहाँ मैं रिपीट करूँगा कि मैथ, इंग्लिश या रीजनिंग के केस में आपको पुराने सेट बहुत ही ज़्यादा फायदे देंगे, वो पैटर्न सेम होता है, आप पूरा का पूरा फोकस ओल्ड एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस एग्जाम्स के जो सेट्स हैं उनके ऊपर रखिए, केवल जनरल अवेयरनेस के सेट्स को छोड़ के। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ टिप्स, हम फिर से आएंगे, क्योंकि कोई भी क्वेरीज हैं वो एक वीडियो के अंदर सॉल्व नहीं की जा सकती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो चैप्टर वन था आप उसको भी पढ़िए, यानी कि सुनिए हमारी वीडियो को, उसको देखिए, क्योंकि वो भी बिगनर्स के लिए है और उसमें कुछ अन्य क्वेरीज के रिप्लाई आपको समझाए गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो दोस्तों लाइक पर एक क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब पर एक क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेकिन शेयर कौन से दोस्तों के साथ कीजिए? जो बिगनर्स हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए है। और हमको फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए। नमस्कार, बाय बाय, चक दे विद नॉलेज।